कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नगर पंचायत अमेठी से कांग्रेस की प्रत्याशी सरासुल निशा ने अमेठी तहसील पहुंचकर अंतिम दिन सोमवार को नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मिश्रा तथा यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष एवं पार्टी के जिला प्रवक्ता सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने बताया कि कांग्रेस के मुद्दे हमेशा विकास पर आधारित है। अमेठी में पार्टी ने अपना प्रत्याशी सरासुल निशा को बनाया है। अमेठी की जनता जान चुकी कि यहाँ के चेयरमैन में विकास के नाम पर धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की योगी सरकार ने झूठ बोलकर जनता के साथ धोखा दे रही है। अमेठी की जनता चुनाव में इनके खिलाफ वोट डालकर कांग्रेस के प्रत्याशी को जीता कर मौका देगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था का रोजाना मजाक बनाया जा रहा है। घटनाओं पर घटनाएं हो रही हैं। योगी स्वयं अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि गुंडे माफिया योगी की सरकार में सरेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेठी की जनता कांग्रेस के प्रत्याशी को हर बार आशीर्वाद दिया है, इस बार जनता मौका जरूर देगी। जितेंद्र विक्रम सिंह, ब्यूरो चीफ अमेठी, 24 न्यूज़ ID, वायदा सच का।